आज हम आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी घंटी को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आ गई हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। पिछली दफ़ा जो मैंने आलू गोश्त बनाना सिखाया था उससे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। हाफ कप यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी, इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज लेके ये डाल दूँगी मैं इसमें। इसे लाइट ब्राउन करेंगे और इसे निकाल लेंगे, फिर इसे हम पीस लेंगे। तो गाइस यहाँ पे प्याज जो है बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे पीस लूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसमें, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे इसमें। अब इसी में गोश्त डाल देंगे, वैसे देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से इसका चिकन का पानी जो है खुश्क हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है ना बड़े टमाटर लिए थे और उसे ब्लेंड कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे दही में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा टमाटर का पानी खुश्क होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ये घर का टीस्पून यूज़ करें आप, और 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्ची ऐड करूँगी इसमें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, और यहाँ जो है 2 टीस्पून में इसमें पिसा धनिया यूज़ करूँगी। पिसा धनिया जो है साबुत धनिया को लेकर आप पीस कर यूज़ करिएगा, और क्योंकि हम पिछली दफ़े से थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं इसे, तो यहाँ पर इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून कढ़ाई गोश्त का मसाला। शान का ले लें आप या किसी का भी ले लें, इससे बहुत अच्छा जो है टेस्ट आएगा आलू गोश्त में। और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मली घर के मसालों से भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। अब हम इसे अच्छी से भून लेंगे। प्याज ली थी ब्राउन की थी और इन्हें मैंने पीस लिया था, अब ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। और तकरीबन 2 गिलास जितना पानी मैं इसमें ऐड करूंगी, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर से कवर कर दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, आलू गल जाए बिल्कुल लो फ्लेम पे। वेलकम बैक गाइस, यहाँ पर आलू गोश्त तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और डिश आउट करेंगे इसे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, रखिएगा दुआ में याद, फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।